भारत माता की। अरे भाई ऐसी आवाज नहीं आनी चाहिए, आवाज नरेंद्र मोदी जी तक दिल्ली पहुंचनी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, भगवान बाबा के संकल्प पूर्ण करने के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भगवान बाबा की। मंच पर उपस्थित पंकज अदाई, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हरिबाऊ बागड़े जी, हमारे प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव जी, हमारे संगठन मंत्री विजय पौराणिक जी, जयदत्त सिरसागर जी, श्रीमान राम शिंदे जी, श्रीमान महादेव जानकर जी, श्रीमती प्रीतम मुंडे जी, ओम राजे जी, सुजय विखे पाटिल जी और आज लाखों लाखों की संख्या में कई राज्य और पूरे मराठवाड़ से आए हुए सभी भगवान भक्तों को मेरा प्रणाम और आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों आज से 5 साल पहले मैं दशहरे के दिन ही 2014 में भगवानगढ़ आया था और आज भगवान भक्तिगढ़ भगवान बाबा की जन्मभूमि पर उनके दर्शन और उनके पूजन अर्चन के लिए आया हूं। यहां आने के पहले मैंने एक विशाल प्रतिमा जो भगवान बाबा की यहां पर बनी है वो प्रतिमा का पूजन अर्चन किया और पंकजाताई ने भगवान बाबा की स्मृति में जो एक बहुत सुंदर स्थान का निर्माण किया है वो आज देखकर मुझे लगा कि ये संदेश सैकड़ों सालों तक राज्य भर के वंचितों के लिए भगवान बाबा के संदेश को पहुंचाने वाला ये स्थान हमेशा के लिए बनने वाला है। भगवान बाबा का पूरा जीवन ये 20वीं सदी में विचार और कर्म से सामाजिक सुधार करने के लिए उन्होंने लगाया, वंचितों के लिए शिक्षा, संघर्ष और सम्मान का रास्ता प्रशस्त कर मेहनत करने वाले सभी समाजों को एक प्रगति का रास्ता भगवान बाबा ने बताने का काम किया। समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने ढेर सारे काम किए मगर उन्होंने सबसे बड़ा संदेश दिया शिक्षा के माध्यम से ही मेहनत कस वंचित और ओबीसी समाज का कल्याण हो सकता है और ये पूरे समाज को शिक्षा के दीक्षा के रास्ते पर ले जाने में पूजनीय भगवान बाबा ने अपना पूरा जीवन लगाया और हमारे महान नेता गोपीनाथ मुंडे जी ने भगवान बाबा के रास्ते पर चलते हुए उनकी स्मृति को चिरंजीव बनाने के लिए बहुत सारे काम किए और मुझे आनंद है कि उसी रास्ते पर गोपीनाथ जी के रास्ते पर भगवान बाबा के रास्ते पर पंकजाताई भी आज महाराष्ट्र के पूरे वंचितों को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों गन्ना कटाई करने वाले मजदूर, साकर कारखाना में काम करने वाले मजदूर, उनके जीवन में खुशी लाने के लिए गोपीनाथ जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया था और आज पंकजाताई भी उसी रास्ते पर इस समाज को आगे ले जाने के लिए
कटिबद्ध मराठवाड बीड औरंगाबाद परमणी हिंगोली नांदेड लातूर उस्मानाबाद जालना जगह जगह पर ये जो भगवान भक्तों के जत्थे बने हैं वो आज भगवान बाबा की प्रेरणा से आगे निकले और ये भगवान बाबा के जन्मस्थल को भव्य स्मारक बनाने की घोषणा पंकजाताई ने 5 साल पहले मेरे ही उपस्थिति में भगवानगढ़ में की थी। 5 साल के बाद ये भव्य स्मारक हम सबके दर्शन के लिए आज यहाँ पर उपस्थित है और एक ट्रस्ट के माध्यम से सालों सालों तक भगवान बाबा का संदेश लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। मित्रों, आज मैं आप सबके सामने आया हूं, तब मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सबने नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया, 300 सीटें दी और 300 सीटें दी नरेंद्र मोदी जी ने 5 महीने में 370 को हटाने का काम कर पूरे देश को एक करने का काम। मैं जब उतरा तब मुझे बताया 370 हटाई है मोदी जी के सम्मान में। ए भैया ओ रुक जा वहीं पर रुक जा, हमारे ही लोग हैं यार। नरेंद्र मोदी जी ने 370 हटाई है, आज उनके सम्मान में 370 राष्ट्रध्वज लेकर राष्ट्रभक्त यहाँ पर खड़े हैं। वो मोदी जी का सम्मान और धारा 370 का समर्थन बताता है। मुझे बताओ आप सभी लोग, भाई धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलना पड़ेगा, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम मोदी जी ने किया है या नहीं किया है? मैं महाराष्ट्र जनता को पूछ रहा है, जो लोग 370 को हटाने का विरोध करते हैं उनको आप लोग पूछेंगे क्या 370 क्यों विरोध कर रहे हो? पूछेंगे क्या? जोर से बोलिए, पूछेंगे क्या? नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को हटाकर पूरे देश को राष्ट्रभक्ति के धागे से एक करने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आज सबको अपील करने आया हूं, घर घर में जाकर मोदी जी ने जो 370 और 35 से हटाने का काम किया है वो काम का जन समर्थन करने का संदेश आज सारे भगवान भक्त यहाँ से लेकर जाए। मुझे बताओ लेकर जाओगे भाई? आपके गांव में बताओगे? मित्रों, जब से ये मोदी सरकार आई है वंचितों के लिए ओबीसी समाज के विकास के लिए भगवान बाबा का जो संदेश है उसी रास्ते पर चलने के लिए ढेर सारे काम किए। 70 साल से ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा देने का काम जो सरकारें आई वो नहीं करती थी, आपने नरेंद्र मोदी सरकार बनाई, नरेंद्र मोदी जी ने वंचित समाज को ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया और ओबीसी समाज के लिए एक संवैधानिक आयोग की रचना का काम किया। मैं कहना चाहता हूं जो लोग ओबीसी के वंचितों की राजनीति करते हैं उनको पूछना चाहता हूं, आज तक आपने एक क्यों नहीं किया? यहां देवेंद्र फडणवीस सरकार बनी, पंकजा बेन मंत्री बनी और इसके साथ ही मंत्री बनने के साथ ही यहाँ ओबीसी आयोग बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
देश भर के वंचित समाज और ओबीसी समाज के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। मैं आज दशहरे के शुभ अवसर पर आया हूं। दशहरा विजयादशमी बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक, विजयादशमी बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक। महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं, मैं यहाँ राजनीतिक बात करना नहीं चाहता, मगर ये भगवान बाबा की ही कृपा है कि चुनाव घोषित होने के बाद मेरा पहला कार्यक्रम ओबीसी वंचित समाज के सामने भगवानगढ़ में हो रहा है। ये भगवान बाबा की ही कृपा है। मित्रों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ। मोदी जी के नेतृत्व में देश दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है और वंचित समाज का विकास जो संविधान के निर्माताओं की कल्पना थी, बाबा साहेब अंबेडकर की कल्पना थी, उसी तरह से वंचितों का विकास नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। आज भगवान बाबा के जन्म स्थान पर इतना विशाल स्मारक पंकजा जी ने बनाया है। मैं आप सबकी ओर से पंकजा ताई को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने स्मारक बनाकर सालों तक पूजनीय भगवान बाबा के संदेश को लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम बनाया है। मित्रों, आज विशेष कुछ राजनीतिक बात नहीं करनी है। चुनाव के अखाड़े में जब आएंगे तब छाती पीट कर दो दो हाथ सबसे करेंगे। आज मैं कुछ राजनीतिक बात कहना नहीं आया, मगर आज मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र और समग्र देश की जनता को विजयादशमी की शुभकामनाएं देता हूं। ये विजयादशमी श्री राम को रावण पर विजय का प्रतीक है, अच्छाई का बुराई पर विजय का प्रतीक है और हम सबको अच्छाई के रास्ते पर चलने का एक प्रेरणा देती है। उसी दिन पूजनीय भगवान बाबा के धाम पर आकर अत्यंत संतुष्टि और आनंद के भाव के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और ये स्मारक सालों सालों तक भगवान बाबा के संदेश को वंचित समाज में पूरे समाज के अंदर पहुंचाए, ऐसी शुभकामनाएं व्यक्त कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बिंचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भगवान महाराज की।